सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन की मदद से आप गाने रिमिक्स कर सकते हो। और गाइज, उस एप्लीकेशन के अंदर रिमिक्स काफ़ी शानदार होता है। अगर आपको रिमिक्स करने का शौक है गाने वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखे जाना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर दी है। यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड करना है तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके फीचर्स बता देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करेगी आपके मोबाइल के अंदर। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि किस तरीके से इसके अंदर सॉन्ग वगैरह ऐड होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो टैप टू लोड। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके जितने भी सॉन्ग है सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे है, एल्बम है, आर्टिस्ट है, प्लेलिस्ट है, ट्रैक्स है, टैग लिस्ट है, यहाँ पे सारे के सारे है जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो इसको इजीली। इसके बाद आपको कोई सा भी सॉन्ग यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे इस सॉन्ग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वाला सॉन्ग है, तो यहाँ पे मैं ये वाले सॉन्ग पे क्लिक कर देता हूँ। ये वाला सॉन्ग हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो गाइस, अब हमको इस तरफ से लोड करना है, तो यहाँ पे टैप टू लोड पे जाना है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपको कोई सा भी सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे मैं कोई सा भी सॉन्ग यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला सॉन्ग मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है ना। और गाइस, इसकी जो BPM वगैरह है ये आपको बीच के अंदर दिखाई देंगे, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, BPM को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इसका, ठीक है ना। कम आपके सामने कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे लूप वगैरह का, इको का, और यहाँ पे आपको, तो गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन और भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के और भी पैक्स वगैरह है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला सेट कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे सेव न्यू पे ओके करना है, और यहाँ पे आपको डन कर लेना है, ठीक है ना। डन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे पीछे आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये वाली एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो लूप का ऑप्शन है, यहाँ पे मिक्सर का ऑप्शन है, और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। और गाइस, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ऑप्शन है। और गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपके सामने रिकॉर्ड वाला बटन भी आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड वाला बटन भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह चलाने के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसको जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। इसके बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद अब आप यहाँ पे जैसे आप इजीली गाने को आगे पीछे कर सकते हो, और इसकी जो स्पीड है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंक करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जो गाना है वो दोनों को दोनों एक ही BPM के अंदर सेट हो जाएंगे, यानी कि दोनों की स्पीड आपकी एक ही बन जाएगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिंक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है दोनों तरफ। और इसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे जैसे आप इधर उधर करोगे तो आपका जो है वो गाना भी इधर उधर, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। और गाइस, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो मिक्स वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑटो मिक्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर क्या होगा कि आप जैसे ही यहाँ पर गाना चलेगा आपका, आप जैसे ही इसको इधर करोगे तो आप जैसे ही इसको इधर उधर करोगे तो आपका जो गाना है वो भी चेंज होता रहेगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ये वाली एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ ज़रूर करना, ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। और गाइस, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।